जिले के सांवेर में करंट लगने से युवक की मौत के बाद शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रशासन से मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। सांवेर पुलिस के मुताबिक मानक चौक सांवेर का रहने वाला राजेश उर्फ राजू राव रफीक के ट्रैक्टर पर मजदूरी करने के लिए खान नदी की पुलिया के समीप एक प्लॉट पर ट्रैक्टर से चल रही पायल मशीन यानी कि गड्ढे करने वाली मशीन पर काम कर रहा था। इस दौरान रफीक ट्रैक्टर चला रहा था, उससे उसने मशीन ऊपर उठाई तो पास से जा रही 11 KV की हाई टेंशन लाइन ने राजेश को खींच लिया, झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने सांवेर पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर शव को रखकर चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों का कहना था कि सांवेर स्वास्थ्य केंद्र में राजू का शव कई घंटों तक खुले में ही रखा रहा, जहां अधिकारियों व जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। ना तो वो व्यक्ति गिरफ्तार किया, जाम क्यों किया है? वो जाम इसलिए क्या है कि वो गरीब व्यक्ति है, उसको कल करंट लग गया, उसको लावारिस तरीके छोड़ दिया गया। किस चीज से लगा करंट उसका? हाई टेंशन लाइट 11,000 वाल्ट की लाइट थी, उससे कुछ व्यक्ति उसको लेके गए थे वहाँ पर काम करवाने के लिए। जब उन्होंने लापरवाही पूर्वक उसको वो जो मशीन आती स्पॉट हो गया, स्पॉट 3 घंटे तक पड़ा रहा, स्पॉट 3 घंटे से लावारिस तरीके पड़ा रहा। क्या मांगे, क्या मांगे?